अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सच क्या है बेटा? शनाया सच क्या है? सॉरी डैड, रियली सॉरी डैड, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। धीरे धीरे मैं बुरी होती जा रही हूँ डैड। डैड आई मिस मॉम डैड, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ डैड, मैं क्या करूँ? आप लोग की जिंदगी तो नॉर्मल हो गई। डैड आपको पता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीती आई हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं वो भी नहीं कर सकती। डैड मुझे लगता था कि आप हमेशा शारदा जी की साइड लेते और मुझे और आरव को प्यार नहीं करते बिल्कुल। I end up doing all this thing, Dad, just to get your attention. सिर्फ आपका वक्त पाने के लिए, Dad, आपका attention लेने के लिए। I'm so sorry, Dad, मैं कभी ऐसे नहीं करूँगी, Dad, please. Dad, अगर मेरी वजह से hurt हुआ है तो I'm sorry, Dad. I'm sorry. अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया तो आई एम रियली सॉरी। मैं अंदर से कभी ऐसे नहीं करूंगी। साक्षी, साक्षी मुझे पता है कि मैंने गलती की है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। शनाया, तुम्हारा ये ड्रामा देखकर साक्षी तो क्या हम में से कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। आई प्रॉमिस करण भैया, मैं अंदर से अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज। मैं शारदा जी की कसम खाती हूँ। रुको, खबरदार, अगर मेरी मॉम की कसम खाई तो तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक औरत है, लेकिन हमारे लिए ये पूरी जिंदगी है। कसम उनकी खाई जाती है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है, क्योंकि तुम सिर्फ नफरत करना चाहती हो, सिर्फ नफरत। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी मॉम की है। उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दे के रखी कि तुम सही गलत में फर्क करना ही भूल गई। तुम्हें बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ पल्लवी जी का हाथ है। करण चुप करो, दुनिया में नहीं है उनके लिए ऐसा नहीं बोलते हैं। माँ, मैं मानती हूँ कि करण जो कुछ भी कह रहे हैं गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन माँ ये बात भी तो सही नहीं है कि आप बात बात पे शनाया की गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। ये गलत है ना माँ, करण तो बस इतना चाहते हैं कि शनाया सुधर जाए। आप अपने बेटे को जानती हैं, वो कुछ गलत नहीं कहेंगे, लेकिन माँ अगर आप बात बात पे शनाया का साइड लेंगी, उसे सपोर्ट करती रहेंगी तो कैसे चलेगा? इट्स रॉन्ग ना माँ। देखो बेटा, तुमने गलत, तुमने तो पल्लवी से वादा किया था कि तुम अपने बच्चों से कहीं ज्यादा उसके बच्चों का ख्याल रखोगे, तो ये ख्याल रख रही हो तुम, इस तरह से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हो तुम। शनाया बेटा, मैं अगर इस घर में कोई भी आरव और शनाया से प्यार नहीं कर सकता तो उन्हें नफरत करने का भी कोई हक नहीं। आज तक तुमने इन दोनों बच्चों के लिए जो कुछ भी किया शनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज के बाद मैं अपने बच्चों का ख्याल खुद रखूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
सुना तुमने उन्होंने क्या कहा? इन्हें लगता है सब मेरी गलती है। शायद वो ठीक ही कह रहे हैं। मैंने गलत तरीके से शनाया का प्यार जीतने की कोशिश की। उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अरव और शनाया मेरे भी बच्चे हैं। मैं उन्हें सही राह पे ला कर ही रहूंगी। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी पल्लवी। मैं जानती हूं तुम मेरे साथ हो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। पल्लवी के जाने के बाद शनाया बहुत परेशान है और उसे प्यार और अपनेपन की बहुत जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वह कुछ भी करे और हम उसे आंखें मूंद लें। शनाया को सही राह दिखाने की जरूरत है। आपने तो एक पल में उसके लिए फैसला सुना दिया, पर उससे तो शनाया और अकेली पड़ जाएगी। आज आपने जो कुछ कहा ना, वो बिल्कुल गलत था। मेरे दिल में पल्लवी और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं है। May I come in, sir? Yeah, come in. हाँ, बोलो। Thank God. अच्छा हुआ आप आ गए मैडम, नहीं तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। क्यों, क्या हुआ? मैडम एक्चुअली बात ये थी कि दरअसल कल फोन आया था मदन का, और वो जो कंसाइनमेंट खराब हो गई उसके बारे में बताना चाह रहा था बारिश की वजह से। चलो गोडाउन में मैं जाके देखती हूँ। नहीं मैडम, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरा कंसाइनमेंट यही मंगवा लिया है। क्या तुम कंसाइनमेंट को यहाँ ले आए हो? जी मैडम, अंदर लेकर आओ, यहाँ रखो, दूसरा भी लेकर आओ। ये क्या किया आप लोगों ने? आपको पता है ना बारिश का मौसम है, कम से कम साड़ियों की पैकिंग तो अलग अलग करनी थी। तुम्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही बारिश की वजह से सारा कंसाइनमेंट खराब हो गया और तुम इसे यहाँ ले आए हो। भीगने की वजह से ये धागों के पूरे रंग कपड़े में फैल गए हैं। तुम लोग को इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? किसने कहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए? अरे वहां क्या देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो दरअसल मैंने ही कहा था इन लोगों को कंसाइनमेंट यहाँ ऑफिस में लाने के लिए, मुझे लगा कि ये ठीक रहेगा। आपने? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। तुम मुझे कैंची दो। हाँ ये। एक काम करो, ये जो बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर्स काट के इन प्लेन वाली साड़ीज में लगा दे, और ये जो इसकी कढ़ाई है इसका एप्लिक बना के हम इस साड़ी पे टांग देंगे। देखो ये देखो, इस तरह से काटना। हाँ बिल्कुल सफाई से, एक एक कढ़ाई को हम निकाल के इस साड़ी पे लगा देंगे एप्लिक की तरह। इसमें ऐसे देखो, ये ठीक लग रहा है ना, तो एक अलग सा डिजाइन बच जाएगा। तो हम उसे एक नए नाम से मार्केट में बेच सकते हैं, डिजाइनर साड़ी की तरह। मैडम ये तो कमाल का आइडिया है, हमने तो सोचा था कि ये साड़ियाँ पूरी वेस्ट हो जाएंगी, मगर आपके हाथ लगने से ये वेस्ट भी अब सोने के दाम बिकेगा। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। चलो ये सब लेके जाओ और जल्दी से इस पे काम शुरू करो। जी मैडम, लेकर चलो इसे। की इजाजत के बगैर उन्हें यह सब करने को कह दिया, मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? शारदा तुम जो कुछ भी करती हो अच्छा ही तो करती हो, इनफैक्ट गुड। अरे वाह, पूरी
रोटियां बन रही है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ओके हां, नो थैंक यू। अरे दो ना, मैं कह रही हूं ना मैं कर लूंगी, लाओ ना। उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी। अब क्या करोगी तुम साक्षी? हाँ, तुम ना शारदा माँ के पास जाओगी और कहोगी देखो ना माँ, शलाया ने मुझे जला दिया, यही कहोगी ना। बहुत खुश हो रही हो ना तुम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारा ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा शनाया। सो सैड। ओह रियली? साक्षी, ये क्या? तुम सुधरोगी नहीं ना? करण, मैं जानती हूँ ये ऐसा क्यों कर रही है। ये यही चाहती है कि इस घर में लड़ाइयाँ हो और माँ पर सारा ब्लेम आए, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। क्या बात है, बीवी ने रोका और तुम रुक गए? इसे कहते हैं पत्नी भक्त, राइट? चलो ठीक है, वैसे भी तुम तो किसी काम के हो नहीं, कम से कम ये काम तो अच्छे से कर लेते हो। देखा तुमने? जाने दीजिए ना। कैसे जाने दो साक्षी, वो तुम्हें बार बार परेशान किए जा रही है। आप मेरे साथ हो ना बस, करण कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के लिए हम उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं देंगे ना तो खुद हार कर वो अपने ड्रामे बंद कर देगी। साक्षी क्या हुआ, तुम ठीक हो? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। साक्षी तुम ठीक तो हो ना, कब से तबीयत खराब है तुम्हारी? दो दिन से। दो दिन से? लेकिन कहीं ये वो वैसी वाली तबीयत खराब तो नहीं जो? पता नहीं करण, लेकिन दो दिनों से सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, पता नहीं शायद। गॉड, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? I'm so happy. अरे करण प्लीज, अभी कुछ भी पक्का नहीं है करण, हमें टेस्ट करने होंगे। तो ठीक है, मैं ऑफिस से आते वक्त प्रेगनेंसी किट लेते आऊंगा। लेकिन करण, कब तक घर में किसी को कुछ मत बताना। आप, आपको बताना घर में सब लोग कैसे हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। What the hell? अगर ऐसा हुआ तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अगर साक्षी प्रेग्नेंट हुई तो शारदा इससे चिपक जाएगी और मैं इन दोनों को कभी अलग नहीं कर पाऊंगी। साक्षी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, उसका बदला तो मैं इससे जरूर लूंगी। जब से मैं साक्षी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। साक्षी सब कुछ घर में अकेले ही संभाल रही होगी, उससे बात कर लेती हूँ। हाँ माँ, आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी बस खाने वाले हैं। साक्षी मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ आप ही ने तो मुझे सिखाया है ना कि जिस घर में चार बर्तने होंगी वहाँ खटपट तो होगी। अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। क्योंकि मेरी माँ जो इतनी समझदार है। अच्छा बेटा, घर पे सबने खाना खा लिया? हाँ माँ, और मैंने दादी को भी दवाइयाँ दे दी। क्या हुआ? वो कुछ नहीं माँ। माँ घर पे सब कुछ ठीक है, आप काम पर है ना, काम पर ध्यान दीजिए आप, सब बात ठीक चल रहा है ना? साक्षी सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है तो आप काम कीजिए ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अच्छा बेटा। अरे ये कहाँ चले गए हैं, खाने का वक्त हो गया है, मैं देख के आती हूँ।
वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। शारदा जी ने अपने हस्बैंड की ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हेलो मीता जी। सिस्टम मोदी, मैंने सुना है कि शारदा जी ने आपकी ऑफिस ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दैट्स ग्रेट। आपकी रेपुटेशन और शारदा जी के आइडियाज, आई एम श्योर आप दोनों मिलके कमाल कर देंगे। जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ओह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। आप बताइए कब और कहाँ मिलना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप तो जानती हैं अमिता जी, मैं तो परसों से आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। आई नो दैट मिस्टर मोदी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि आपने शारदा जी जैसे हीरे को अपनी ऑफिस में सजाया है, तो अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर आप बताइए कब। इज 10 o'clock टुमारो ओके? ऑफ कोर्स। अब ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच मिता, आई सी यू देन, बाय। क्या मीता मेरे साथ बिजनेस सिर्फ शारदा की वजह से करना चाहती है? मीता का फोन, लगता है मीता जरूर शारदा को भी मीटिंग में बुलाना चाहती है। अरे आप यहाँ हैं, मैं आपको खाने के लिए नीचे फैक्ट्री में ढूंढ रही थी। चलिए खाना खा। अरे मेरा फोन है, देखिए ना कौन है, मैं खाने लगाती हूँ। तुम्हारे लिए वो मीता का फोन है। हेलो शारदा जी, मीता मनचंदा बोल रही हूँ। मीता जी कैसी हैं आप? कांग्रेचुलेशंस। मेरी अभी भी मिस्टर मोदी से बात हुई, हम कल 10 बजे मिलने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस मीटिंग में जरूर आए। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ग्रेट, आई विल सी यू देन, बाय। सुनिए, साक्षी भाभी बड़े खुश लग रहे हो, लगता है कुछ छुपा रहे हो। क्या वो गुड वाली न्यूज़? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे किसने कहा? किसने क्या कहा, इतने खुश जो हो आप, मुझे सब पता है। अरे पगली, मैं तो सिर्फ इसीलिए खुश हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरा हाथ बटाने के लिए। अच्छा बताइए ना भाभी प्लीज। अरे सच में बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी, इतनी खुश तो तुम तब भी नहीं हुई थी जब तुमने मेरे बीपी पिल्स के सीक्रेट को बताकर मुझे सबके सामने जलील किया था। साक्षी, अब तुमने जो किया है उसका बदला तो तुम्हें चुकाना होगा। शनायदी, शनायदी, आप मेरे साथ खेलोगे प्लीज? खेलेंगे बेटा थोड़ी देर बाद में, ओके? ओके। ओके ठीक है, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि कल सुबह आ जाइए ऑफिस में। ओके, थैंक यू वेरी मच। मीता जी कह रही थी कि कल वो हमसे मिलना चाहती हैं, 10 बजे का टाइम दिया है। हाँ पता है, शारदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, अगर उन्हें हमारे आइडियाज पसंद आ गए तो मुझे लगता है कि हमें बहुत फायदा होगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये क्लाइंट तुम हैंडल करो। हाँ जरूर। वो कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाएंगे। 10 बजे? पर 10 बजे का टाइम तो मीता जी ने दिया है हमें। डोंट वरी, वो मैं हैंडल कर लूंगा। अर्दा, तुम इस क्लाइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। और वैसे भी तुम्हारा ऑफिस में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी इसकी जो रिपेयर्स तुम करवा रही हो उन्हें देखना भी तो तुम्हारा ही काम, क्योंकि वो ब्रिलियंट आइडिया तो तुम्हारा ही था।
जुबान से कुछ भी बोल लें, लेकिन आपकी आंखें कह रही हैं कि आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ मीता जी की मीटिंग में आऊं।